पुदीना सबसे ज़्यादा अपने अनोखे स्वाद के लिए जाना जाता है। पुदीने की जो चटनी है ना सिर्फ खाने का जायका बढ़ाती है बल्कि स्वास्थ्यवर्धक भी होती है। आयुर्वेद में जो सदियों से पुदीने का जो इस्तेमाल है औषधि के रूप में हो रहा है। सामान्य तौर पर पुदीने का जो उपयोग होता है दंत मंजन के लिए हो गया, या टूथपेस्ट हो गया, च्युइंगम हो गया, माउथ फ्रेशनर हो गया, या बहुत सारे कैंडीज हो गया, इन्हेलर के लिए किया जाता है। इसके अलावा भी आयुर्वेद में जो पुदीने का जो प्रयोग है वो अन्य रोगों के लिए इलाज में भी किया जाता है। चलिए इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि पुदीने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। आपको यहाँ पर पुदीने के जो पौधे दिखाई दे रहे हैं, मेरे हाथों में जो पत्ते भी हैं, वाकई इसके पास आने के बाद बहुत अधिक इसकी जो महक आ रही है। पुदीने का बॉटनिकल जो नेम है वो है मेंथा स्पाइकेटा, जो कि लेमिएसी कुल का ही पौधा है। इसके फायदे तो बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि बाल झड़ने को रोकने में काफ़ी अधिक फायदेमंद है पुदीना। अगर इसका सेवन हम करते हैं और मेहंदी के साथ अगर बालों में लगाते हैं तो पुदीना काफ़ी अधिक सेहतमंद भी है बालों के लिए। कान के दर्द के लिए काफ़ी अधिक पुदीने का जो प्रयोग है काफ़ी अधिक फायदेमंद होता है। अगर इसका 2 से 3 बूंद अगर कान में डालते हैं इसके जो पत्तों का रस को, तो काफ़ी अधिक राहत होता है। मगर ये कोशिश करिएगा गर्मी के दिनों में ज़्यादा हो ये कर सकते हैं। और सिर दर्द से भी राहत दिलाता है पुदीने का जो चाय है। अगर इसका चाय हम पिएं तो पुदीने के जो फ़ायदेमंद है काफ़ी बढ़ जाते हैं। और मुंह के छाले की जो परेशानी को भी पुदीना कम कर देता है। अगर छाला है तो इसका जो पत्तों को बकायदा काढ़ा बना लें और उसका गरारा करें तो छाले भी ठीक हो जाते हैं। दांतों के लिए तो रामबाण है। अगर दांत में दर्द हो रहा है तो इसके पत्तों का जो चूर्ण बनाकर दांतों के मंजन में भी इसका काम कर सकते हैं। और सांस की नली में अगर सूजन पड़ जाती है तो पुदीने के जो काढ़े हैं इसका सेवन करना चाहिए दिन प्रतिदिन कम से कम 10 से 15 मिलीलीटर के आसपास। अपच की जो समस्या होती है उसके लिए तो काफ़ी अधिक बेहतर है क्योंकि पुदीने का जो रस के साथ अदरक हो गया, नींबू हो गया, ये मिलाकर इसका सेवन करें। कभी कभी दवा के कारण या लंबे समय से बीमार रहने के कारण भूख कम लगने लगती है। अगर आप भी इसी तरह की समस्या से ग्रस्त हैं तो पुदीने का सेवन दिन प्रतिदिन करना चाहिए, चटनी के रूप में करना चाहिए या तो इसके रस का। और मार्केट में इसके तेल भी मिलते हैं जो कि भूख बढ़ाने में काफ़ी अधिक असरदार होते हैं। उल्टी रोकने के लिए पुदीने का सेवन करना काफ़ी अधिक लाभदायक है क्योंकि अक्सर एसिडिटी होने पर या दवा के जो साइड इफ़ेक्ट के कारण या फिर अन्य कारणों से उल्टी होने लगता है। और अगर आप भी उल्टी की परेशानी से ग्रस्त हैं तो पुदीना के पत्तों का काढ़ा बना लें और कम से कम 10 से 20 मिलीलीटर के आसपास इसे पिएं तो उल्टी बंद हो जाता है। पुदीने का जो इस्तेमाल करने से दस्त तो रुकता ही है, साथ साथ अस्थमा में भी काफ़ी अधिक फायदेमंद होता है क्योंकि ये जो वात कफ या किसी प्रकार की बीमारियां होती हैं जो पेट से संबंधित होती है उसमें काफ़ी अधिक राहत होता है। यहाँ तक तो देखा गया है कि जो यूरिनल डिसऑर्डर जो होता है, मूत्र विकारक जो भी घटनाएं होती हैं, मतलब प्रॉब्लम्स होते हैं, पेशाब से संबंधित जलन होता है, तो यह ठीक कर देता है। मगर इसके जो रस में अगर मिश्री का रस मिलाकर पिएँ तो बेहतर रिजल्ट आते हैं। और हाथी पाँव रोग में भी काफ़ी अधिक फायदेमंद होता है। हाथी पाँव में होता यह है कि जो पैर काफ़ी अधिक सूजन फूल जाता है, वो चलने फिरने में काफ़ी दर्द महसूस होता है और पुदीना का जो काढ़ा पिए तो ये काफ़ी अधिक रिजल्ट अच्छा देता है। घाव सुखाने में भी पुदीना काफ़ी अधिक फायदेमंद होता है क्योंकि इसका जो पुदीने का जो पत्ते हैं उसका लेप लगाए घाव वाले स्थान पर तो ठीक होता है। और त्वचा रोग को में भी काफ़ी अधिक फायदेमंद होता है। अगर त्वचा संबंधी जितनी प्रकार की मुहासे होती हैं, ये रेसेस होती हैं, सूखापन होता है या काले धब्बे होते हैं, तो वो इसका निदान करता है पुदीने का जो पत्ते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो पुदीने के जो पत्ते हैं कितने अधिक असरदार होते हैं। इसके तने के बजाय पत्ते काफ़ी अधिक पावरफुल होते हैं और किसी प्रकार के जो समस्या है, पेट संबंधी समस्या या छालों के संबंधी समस्या, सबको यह दूर करता है। तो ज़रूर इसका सेवन कीजिएगा।